नमस्कार स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं और परीक्षा की तैयारी जहाँ भी होंगे वहाँ कर रहे होंगे। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.2 का अवकल समीकरण चैप्टर से सवाल नंबर 6। 9.2 का सवाल नंबर 6 सेकंड मैथ से 9.2 से सवाल नंबर 6 कहाँ पर है भाई। सवाल नंबर 6 मेरे हाथ में आ जा। वाई बराबर एक्स साइन एक्स, 6 नंबर सवाल है। वाई बराबर एक्स साइन एक्स और इसको सॉल्व करके पहुंचाना है इसकी मंजिल तक। इसकी मंजिल है वाई प्लस एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस। ठीक है, तो करेंगे कैसे। हमें इस आंसर में क्या मिल गया, एक बार डैश लगा है, मतलब एक ही बार सवाल का अवकलन करना है। चलिए करते इसका अवकलन। y डैश प्रथम फलन इंटू इसका समाकलन साइन का समाकलन cos प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का समाकलन x का अवकलन 1। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, मैं गलत बोल दिया हूँ, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ठीक है, अच्छा y डैश बराबर x cos x प्लस साइन x। ठीक है, एक काम करिए भाई, जो मुझे सिद्ध करना है उसमें न कास है और ना ही साइन है, तो इसका मतलब हुआ कि साइन और कास दोनों को हटाओ। तो पहले साइन हटेगा, कैसे, साइन का मान यहाँ से निकालेंगे तो एक्स वाई पक्ष में आ जाएगा वाई बटे एक्स, साइन बराबर क्या हो जाएगा वाई बटे एक्स। तो वाई डैश बराबर एक्स कास एक्स प्लस वाई बटा एक्स, ये कहाँ से आया, साइन एक्स का वैल्यू है। तो यहाँ कैसे पाए, साइन एक्स का मान वाई बटे एक्स निकल गया। अब कास को भी हटा दो मेरे लाल, कैसे होगा देखो, वाई डैश बराबर एक्स रूट के अंदर कास एक्स का मान होता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे एक्स, एक्स वन माइनस साइन एक्स का मान, साइन एक्स का मान वाई बटे एक्स रखा है आपने यहाँ पर, तो यहाँ भी रख दीजिए वाई बटे एक्स, दोनों पे लग जाएगा स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, एक्स का गुणा यहाँ कर दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बटे में जो एक्स स्क्वायर है रूट से बाहर निकालोगे तो एक्स बन जाएगा, ऐसे बनेगा देखो, एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स प्लस वाई बटे एक्स। ठीक है, तो दोनों पक्षों में हम क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों में हम एक्स का गुणा करने वाले हैं। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक्स का गुणा करेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा बड़े आसानी के साथ। ठीक है, तो करते हैं, एक्स का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, एक्स वाई डैश बराबर यहाँ पर एक्स चाहे काट लो चाहे इसमें गुणा करो, इसमें एक्स स्क्वायर करोगे तब भी एक्स कटेगा, डायरेक्ट एक्स काट लो एक्स बचेगा, तो एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ भी जब गुणा होगा तो एक्स कट जाएगा वाई बचेगा। ठीक है, तो अब हम एक लाइन और लेंगे इसमें, एक्स वाई डैश बराबर पहले लिखेंगे वाई तब लिखेंगे एक्स इंटू रूट के अंदर इतना, बस मुझे इतना ही तो आंसर के रूप में लाना था। देखिए भाई आ गया, कहीं कोई परेशानी हुई नहीं हुई। तो अब ऐसे ही सवाल नंबर 6 को सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा सब्र के, 6 तो है ही, 7 को सॉल्व किया जाएगा, सवाल नंबर 7 को देखिए, काफ़ी मज़ेदार सवाल है सब, और आप लोग भी मज़ेदार सवाल ही ढूंढते हैं, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 7 क्या कहता भाई, एक्स वाई बराबर, अगर आपने अभी तक मैथ में कुछ भी तैयार नहीं किया है, आपका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है और आपको लगता है कि आप मैथ में फेल हो सकते हैं, तो आप मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला कोर्स ज्वाइन करिए। यह कोर्स मैंने कमज़ोर छात्रों के लिए बनाया हुआ है, कमज़ोर छात्र केवल हमसे संपर्क करेंगे मेरे मोबाइल नंबर पर 7525 8180 38 पर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप क्लास 12 लिख करके व्हाट्सएप करिएगा, आपको हर एक चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट का वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा, जिसे पढ़ करके आप एग्ज़ाम में 90+ मार्क बड़े आसानी के साथ ला पाएंगे। यह उनके लिए है जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है, ठीक है,
और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट का सारा वीडियो आपको मिलेगा। इसके लिए थोड़ा सा शुल्क लगेगा, शुल्क मात्र 500 रुपये लगेगा, एक बार देना होगा, ठीक है। एक बार पे करके आप एग्ज़ाम में फेल होने से बच जाएंगे, और अगर आपने मेहनत कर दिया तो आप 90+ मार्क भी ला पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर क्लास 12 लिख करके सेंड करना है, हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की वीडियो देंगे, शुल्क मात्र 500 रुपये है, ठीक है। थैंक यू। आग वाई प्लस सी, सात वाला सवाल कहता है एक्स वाई बराबर लाग वाई प्लस सी, सिद्ध करके लाना है वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई। कुछ बच्चे इतने कमीने होते हैं कि मैं जब तक सवाल लिख रहा हूँ तब तक वीडियो भगा देंगे, अब भगा देंगे इतना ज़्यादा कि शुरुआत का उनका एक मिनट छूट जाएगा, सोचेंगे मैं जल्दी जल्दी भगा के हाल ही आंसर वे देख लूँ। ऐसे पढ़ने वाले बस समझ लो चलती हुई ट्रेन को दौड़ा के पकड़ने वाले लोगों का क्या हाल होता है, वही हाल होगा इसमें भी। देखो चलिए अवकलन करते हैं, ये y को मान लो प्रथम फलन इंटू इसका अवकलन 1 प्लस x इंटू y का अवकलन y डैश बराबर लाग y का अवकलन 1/y इंटू y का अवकलन दोबारा करेंगे तो जाएगा y डैश, इसका हो जाएगा c, ठीक है। तो एक काम करो भाई, y एक अन्य y प्लस एक्स वाई डैश बराबर वाई डैश बटे वाई, दोनों पक्षों में क्या करेंगे वाई का गुणा इसमें इसमें कर देते हैं, वाई का गुणा इधर करो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई डैश बराबर वाई डैश। अब जो सिद्ध करना है इधर आ जाइए, वाई डैश का मान निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं इन दोनों को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश, और ये सब चला जाएगा दाहिने पक्ष में तो माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश, तो वाई स्क्वायर बराबर वाई कॉमन लीजिए वाई डैश, बचेगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई बटे के नीचे आएगा तो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है बराबर वाई डैश। अब इसको भैया ऐसे घुमा दीजिए तो ऐसे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, बस समझ गए। बोलो थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे तो बड़ा बड़ा काम कर पाओगे, और एक साथ बड़ा प्रयास करोगे फेल हो गए तो छोटा काम भी नहीं कर पाओगे। इस नाते पहले छोटे छोटे सवालों को सीखिए, उसके बाद इनके हेल्प से बड़े सवालों को भी आप करिएगा। आगे बात समझ में, कोई परेशानी है? नहीं होगी, नहीं होगी, मैं जानता हूँ कोई परेशानी नहीं। अब अगला सवाल अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ।